من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باران رحمت आज न्यूज की शहरी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेजबान सैयद शहरियार आसिम। आज हम दूसरी शहरी की निशस्त पर मौजूद हैं और आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है जकात और फितरे की अहमियत और इसकी फजीलत। कुरान पाक से हमें मालूम होता है कि जकात हर मुसलमान पर फर्ज है और जो लोग जकात अदा नहीं करते उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से दर्दनाक अजाब है। जकात किन लोगों को देनी चाहिए, किस तरह देनी चाहिए, यह आज की निशिस्त पे हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मुबश्शिर आलम साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और जो आज के हमारे तीसरे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंसानियत के लिए अगर बात की जाए तो इनकी खिदमात इतनी है कि मैं बोलता भी रहूं तो मेरा प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह की इनकी काबिशें हैं तो हम इन्हें दुआ दे सकते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें और इसी तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे साथ मौजूद हैं सारिम बर्नी साहब। सारिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आने का और आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले हमारे साथ पाकिस्तान के एक बहुत नामवर नात ख्वा मौजूद हैं और हमारी खुश किस्मती है कि हमारी वो आज की इस निशिस्त पे हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद आजम साहब। आपसे दरखास्त करेंगे कि अपनी खूबसूरत आवाज में नाज शरीफ पेश कीजिए। जिक्र अल्लाह का लब पर लाना हमने नबी से सीखा है, हमने नबी से सीखा है। दीन खुदा घर घर पहुंचाना हमने नबी से सीखा है। रब है मोती, मैं हूँ कासिम, ये भी नबी ने फरमाया। रब है
फरमाया जिसका खाना उसका गाना हमने नबी से सीखा है हमने नबी से सीखा है कि जब भी सजी सरकार की महफिल खुद ये सहाबा बोल उठे जा भी सजी सरकार की महफिल खुद ये सहाबा बोल उठे इस महफिल में आना जाना हमने नबी से सीखा है और शेर काबिल समात है कि आए तत्हीर में शामिल बस आका का घराना है आए तत्हीर में शामिल बस आका का घराना है इन पे कभी उंगली ना उठाना हमने नबी से सीखा है कि दौर जहालत में बेटी को दफन किया कर देते थे बेटी को इज्जत दिलवाना हमने नबी से सीखा है। और जिस शेर का मैंने इंतखाब किया है मेरा ईमान है कि इस शेर पर मेरे आका से मोहब्बत करने वाले उनके नवासे से मोहब्बत करने वाले दिल से कहेंगे सुभान अल्लाह। और ये शेर मेरी उम्र से 1500 साल बड़ा है इसलिए पेश कर रहा हूँ कि दीन की खातिर घर को लुटा कर दर्स हुसैन ये देते हैं दीन की खातिर घर को लुटा कर दर्स हुसैन ये देते हैं सर कट जाए सर न झुकाना सर कट जाए सर न झुकाना कहते थे नाना सर कट जाए सर न झुकाना हमने नबी से सीखा है हमने नबी से सीखा है होगी शफात खत्म नबुवत पर कायम ईमान रखो सो मत जाना पहरा लगाना हमने नबी से सीखा है अपने नसीब पे राशिद आजम सजदा शुक्र अदा कर लो उनकी नाते उनको सुनाना हमने नबी से सीखा है हमने नबी से सीखा सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला हम सबको रसूल पाक की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। राशिद भाई बहुत खूबसूरत और आपकी आपकी तारीफ करना तो वही है कि चिराग दिखाने वाली बात है। राशिद भाई कितना वैसे अरसा हो गया हम आपको काफी अरसे सुन रहे हैं कितना अरसा हो गया आपको 30 बरस तो अल्हम्दुलिल्लाह अरे माशाल्लाह माशाल्लाह वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो 35 बरस से तो हुजूर की नात पढ़ रहा हूं अरे अल्लाह का शुक्र है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला और आपकी आवाज में खूबसूरती अता फरमाए और आपकी जो एकाविश होती है ये अपने दरबार में कबूल अता फरमाए। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आते हैं अपने मौजू की जानिब और मुफ्ती साहब आपसे शुरू करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि इस्लाम में ज़कात की अहमियत क्या है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں واضح فرما رہا ہے کہ صدقات جو ہیں اور خیرات و صدقات، اس کی شان بیان کرتے ہوئے رب نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، جو صدقات ہیں یہ فقراء کے لیے ہیں، یہ مساکین کے لیے ہیں، یہ جو زکوٰۃ لیتے ہیں ان کے لیے ہیں. پھر رب نے فرمایا وہ لوگ جو غلام تھے پہلے، اب تو یہ معاملہ نہیں رہا، پہلے غلام ہوتے تھے ان کے لیے ہیں، پھر وہ لوگ جو قرض دار ہیں ان کے لیے ہیں، پھر وہ جو اللہ کی راہ میں جو طالب علم ہیں، جو اللہ کا دین سیکھتے ہیں ان کے لیے ہیں، پھر فرمایا جو مسافر ہیں، پھر فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہتر خوب جاننے والا بھی ہے اور خوب حکمت والا بھی ہے. اب اس آیت کو جب ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مصارف بھی بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فقراء کو بھی، مساکین کو بھی، اور وہ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کے وضاحت پہلے فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ہم نے فرض کیا، اور اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے اور خوب حکمت والا ہے. اس آیت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کہ جو دینے والا ہے، جو دے گا زکوٰۃ کن کو دے گا اور کون کون لوگ ہیں، اور اللہ حکمت بھی جانتا ہے کہ جو دینا ہے کس طریقے سے دینا ہے. یہ تو نہیں کہ تم دے رہے ہو دکھا کے دے رہے ہو، ایک میکانزم بنا، ہاں پورا اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا. پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ توبہ کی یہ آیت ہے، کہ اللہ فرماتے جو تم نے سونا چاندی جمع کر رکھا ہے، اور یہ جمع کرنا اگر تم اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دردناک، انہیں سنا دو خوشخبری، فبشر ہوں، کہ انہیں بتایا گیا کہ انہیں سنا دو خوشخبری کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، اور ایسا عذاب ہے کہ جو سونا چاندی تم نے جمع کیا ہے نا، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ وہی آگ میں پگھلا کر، آگ میں تپا کر تمہیں آگے سے بھی جلایا جائے گا، تمہیں پیچھے سے بھی جلایا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا. اور پھر فرماتا ہے کہ یہ وہی مال تھا جو تم نے جمع کیا، اب اس کا مزہ چکھو. یعنی قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے مفہوم رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وعدے کہے گا بھی کہ جو تم نے جمع کیا اب اس کا مزہ بھی چکھو. یعنی کہ جتنا مال لوگ جمع کر لیتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جس کے پاس جتنا مال ہوگا اس کو اتنا ہی عذاب مل رہا ہوگا. اب میں پھر آپ بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ویل للمشرکین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل ہے مشرکین کے لیے، کون؟ جو زکوٰۃ نہ دیں. اب مشرکین زکوٰۃ نہ دیں، اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو معبود بنانے کے بجائے مال کو معبود بنا لیا، تو اللہ نے فرمایا. باران رحمت، آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری اس نشست پر بات ہو رہی ہے زکوٰۃ اور فطرے کی اہمیت اور اس کی فضیلت. ڈاکٹر مبشر صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا بھی ایک دسترخوان لگتا ہے، روحانی دسترخوان لگتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں. اس کے علاوہ اس میں کیا ہر طبقے کا ہر انسان جو ہے وہ کھا سکتا ہے، یا وہ زکوٰۃ اور فطرے کے پیسوں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مجھے شریف بھائی، کافی عرصے بعد ہمارے سارے بھرے بھائی، ان کی کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو، جو خدمت الناس کے لیے، جیسے ہمارے ایدی صاحب، بالکل میں تو ان کو علیہ رحمہ کہوں گا، کیونکہ جو انہوں نے کام کیے ہیں، تو اس طرح کے جو ہمارے اکابرین ہیں، ان کو دیکھ کے شوق پیدا ہوا. اچھا، اس مبشر عالم کو اور ان کے کام دیکھ کر تو ایک جذبہ تھا کہ کچھ کریں گے کافی عرصے سے. پھر جب سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے گردی نشین حضرت خواجہ سرور چشتی دامت برکاتہ اللہ نے جس رات مجھے خلافت عطا کی اور اجازت عطا کی، تو صبح سے جو ہے پھر ہم نے کہا کہ نہیں، اب جو ہے کھانے کو باہر بھی لوگوں کو کھلانا ہے. تو رش بہت ہو گیا چند دن کے اندر ہی، روڈ بلاک ہونے لگا، بلا تفریق، بلا رنگ و نسل، مذہب و ملت، ہم نے شروع کیا.
एक साथी ने बताया कि जी वो आगे करीब में ही एक जगह है, आप वहाँ शुरू कर दें, पूरा रोड ब्लॉक होने लगा है। वहाँ ले गए हम अपने पतीले और अपने हाथों से खिलाना शुरू किया। लेकिन पहले दिन से ही हमने ये तहिए किया था कि इस खाने में ज़कात और सदकात के रकूमात हम नहीं शामिल करेंगे। अच्छा, इसकी वजह क्या थी? इसकी बेसिकली वजह ये थी कि ये 250-300 का जो एक वक्त में मजमा वहाँ जमा हो रहा है और सफ़ेद पोश इसमें शामिल है, हमें नहीं मालूम उसमें सादात कौन है, बिल्कुल सैयदादे कौन है, शहजादे कौन है, बिल्कुल हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम किसी का नाम तो मालूम नहीं करते। तो हमने ज़कात और सदकात से पाक रूहानी दस्तखान नाम दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से सादात इकराम वहाँ आते हैं और लिखा हुआ है वहाँ वाज़े तौर पर कि सदका और ज़कात से पाक, तो बेफिक्र होकर लोग आके दें उसके अंदर खाना खाते हैं और बैठते हैं। अच्छा, ये पूरे साल आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये रोज़ाना की बुनियाद पर है। और एक खुशखबरी और कि एक और ख्वाहिश थी कि वहाँ गुलशन इकबाल मेन गुलशन चौरंगी पे जो ब्रिज है, तो अंडर द ब्रिज ये हमने शुरू किया हुआ सिलसिला कि यहाँ ठंडे पानी का इंतजाम किया जाए। हर किसी के पास इतनी हैसियत नहीं होती कि 30 रुपए की बोतल ली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मीटर हमने लगवाया के इलेक्ट्रिक से, और उसके बाद ये सिलसिला भी शुरू हुआ। और आज उस वाटर चिलर का जो पानी को हर वक्त चिल रखेगा, तो ठंडे पानी का जो है वो सिलसिला वहाँ से अब जारी हो रहा है माशाल्लाह। और अल्लाह ताला इसी तरह जब इंसान की नीयत अच्छी होती है तो फिर अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, और फिर ऐसी गायबाना मदद होती है कि इंसान खुद सोचता है कि यार मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। तारिक भाई, आप मुझे बताएं कि इस वक्त में क्या हमारे यहाँ लोग ज़कात प्रॉपर लोगों को दे पा रहे हैं? क्या हम ये ज़कात देने से पहले ये चीज़ की तहकीक करते हैं कि आया ये बंदा इस काबिल है या नहीं है, या हम अपना फरीजा उतारते हैं? मसला ये है कि आजकल जो ज़कात देने वाले, मेरा ख्याल है जो शुरुआत है वही गलत है। हमारे यहाँ जब ज़कात देने की बात आती है ना, तो सबके पास दौलत भी कम हो जाती है, जेवर भी कम हो जाता है, जायदाद भी कम हो जाती हैं, वो गिनती में ना कम ले आते हैं फौरी तौर पे, या उनकी कीमत कम लगा देते हैं, खुद ही डेप्रिसिएट करते हैं। हाँ, आज भी देखें, क्योंकि हमारे पास तो आती है, तो हम तो देखते रहते चीज़ों को, कंप्यूटर पे चीज़ें आ रही होती हैं कि लास्ट ईयर क्या था, इस ईयर क्या है, तो अभी तक चेंज नहीं आया कोई, जबकि सोने के रेट किधर पहुँच गए। बिल्कुल ठीक है ना, डॉलर पेट्रोल हाँ, वो तो एक अलग चीज हो गई। अमूमन लोग सोने के हवाले से देते हैं, चांदी या अपने पास मौजूद दौलत के हवाले से देते हैं, तो वो कहीं तो फर्क आए तो मुझे लगे कि हाँ जी लोगों ने सही ज़कात निकाली होगी, लेकिन अफसोस कि ऐसी चीजें नहीं है। फिर रही बात देने की, बात देखे देने वाले से ज्यादा जिम्मेदारी लेने वाले की है कि आया उसको ज़कात लगती है या नहीं लगती। अब वही बात है कि जैसे मुबशिर भाई ने बोला कि कैसे पूछ सकते हैं जा करके कि सही बात है, मकसद तुम पे लगती नहीं लगती, तो पूछना भी एक जो है ना गिल्टी सा फील होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपको पता होना चाहिए, आपके इल्म में होना चाहिए कि मुझे लगती है या नहीं लगती। और बेहतरीन तरीका देखें, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं खुद एक इदारा चला रहा हूँ, ये अगर चीजें ज़कात हो, खैरात हो, फितर हो, आप इदारों को हमें ना दें, जो भी इदारा आपको समझ में आता है उसको दें। इदारों का कुछ ना हो ना तो एक तजर्बा बहुत ज्यादा हो जाता है, चीजें प्रैक्टिकली जो काम करने वाले इदारे हैं वो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, बहुत कुछ देख रहे होते हैं, और वो एक एक पैसा फिर देख करके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सारिक भाई, यहाँ आपकी बात पे मैं, ये मेरा सवाल है कि रमजानुल मुबारक के महीने में स्पेशली आपने कहा कि इदारे, अब इतने इदारे आ जाते हैं, मैं नाम भी नहीं ले सकता कि जिन्हें हमने कभी सुना नहीं होता, लेकिन उन्होंने पिक्चर्स भी लगाई हुई होती हैं, सोशल मीडिया पे मैं उनकी प्रमोशन देख रहा होता हूँ कि गरीब बच्चों को चीजें देते हुए, तो फिर इसमें पब्लिक कंफ्यूज नहीं होती कि किसको दें? देखिए वही बात आ गई जो मैंने पहले कही कि आम आदमी से आप नहीं पूछ सकते, आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी बेइज्जती महसूस होगी। इदारे वाले के पास आप जा सकते हैं ना, उससे पहले देने से पहले पूरी मालूमात लें कि आप कौन हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से यूज करते हैं ज़कात को, फितरे को, डोनेशंस को, फिर आप जब मुतमईन हो तो दें, वरना अगर आप उस इदारे से नहीं मुतमईन किसी और से होंगे उधर जाकर के दे दें, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके का है बजाय इसके कि आप जो है ना खुद किसी की तफ्तीश करें। फिर आपको याद होगा 2-3 साल पहले की बात है कि किसी ने यहाँ राशन बांटा था शहर में, तो कितने लोग उसमें डेथ हो गई थी। सही कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे नहीं हो सकता,
हमसे भी हो सकता है, लेकिन हम इन चीजों को समझते हैं कि जब बात बांटने की आती है तो माहौल क्या हो जाता है, बांटने के अंदाज क्या होने चाहिए। अभी कल किसी ने वो भेजी शायद पुरानी वीडियो कि वो सऊदी अरब या दुबई के अंदर के किसी जो है बिलीनियर ने कहा कि आधे घंटे के अंदर जिसको जो लेना है बॉल को वो खाली कर दो। आपने देखो क्या हाल किया। बिल्कुल। तो ये बांटना, ये देना, ये जकात को तकसीम करने के ये तरीकेकार नहीं होते। हर चीज इज्जत से होनी चाहिए। और देखें, हम हमारी मजबूरी होती है, इदारे की बात हो रही है, इदारे की मजबूरी होती है। इदारा जब कहीं फंडरेजिंग का प्रोग्राम करता है, फंडरेजिंग कर रहा होता है, तो उसको बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, और अगर ना बताए ना दिखाए तो कोई उसको पैसे भी नहीं देता। बिल्कुल। लेकिन इंडिविजुअली जब लोग दे रहे होते हैं तो वो एक एक बोरी की तस्वीरें खिंचवाएं या कोई काम करें, ये नहीं होना चाहिए। और मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि अगर हम दे रहे हैं और हम उसकी कोई तस्वीर बनाते हैं तो उसमें उसकी शक्ल ना आए, उसकी इज्जत नष्ट होती है। बिल्कुल। इन चीजों को थोड़ा सा हमें इदारों को भी सोचना चाहिए, हम पब्लिक को भी सोचना चाहिए। और जो रमजान में दस्तरखान लगते हैं इसमें डेफिनेटली जकात खराब नहीं होती, आम तौर पे अलग बात है, लेकिन नहीं होती क्योंकि रोजे का मामला होता है, लोगों के मुसाफिरों का मामला होता है, उसमें हर किस्म का इंसान आ रहा होता है रोजा खोलने के लिए। लेकिन हाँ, नॉर्मली होती है, लेकिन जहां होती है अब उधर भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप देखें और सोचें, अगर एक शख्स है, इस वक्त हैसियत नहीं है उसकी रोटी खाने की, और अगर हम लिख के भी लगाते हैं तो उसके लिए तकलीफ बन जाती है। इसका अच्छा अंदाज यह है कि अगर आप जकात से चला रहे हैं तो एक परसेंटेज उसके अंदर बांध दें कि 20% 30% जो आपको आइडिया हो रहा होगा, कितने ऐसे लोग हैं जो जकात के मुस्तहक नहीं है हमारे दस्तरखान पे, आप वो बांध दें उसके अंदर, आप उसको वो जो है ना डोनेशंस के अंदर कर दें आप उसको। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज एक अलग अंदाज से चलती है, यही वजह है मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट कुछ कर पाई ना कर पाई, इस मुल्क में जकात खैरात फितरा डोनेशन इतना निकलता है कि ये इदारे ही कुछ बदल देते, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बदला, वजह सिर्फ यही है। ये भी एक पॉइंट है सारिम भाई कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि ये जो ऐरे गैरे नथु खैरे माजरत के साथ इस तरह के जो इदारे बन जाते हैं, जो एक अगर किसी को एक राशन की बोरी भी दे रहे हैं उसकी पिक्चर ले रहे हैं, तो इनके खिलाफ भी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। कैसे आ गए? सख्त एक्शन लेना चाहिए, बहुत जिम्मेदारी का काम है। और अगर हम भी अपनी सतह पे फ्रॉड कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है इसकी, क्योंकि सिस्टम उसने बना करके देना है। मैं तो समझता हूँ कि इसके प्रॉपर लाइसेंस सिस्टम हो और बड़ी हैवी फीस हो इसकी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इस तरह की एनजीओ, सो कॉल्ड एनजीओ काम कर रही हैं, आया वो क्यों कर रही हैं, उनका चेक इन बैलेंस क्या है, वो कहां खर्च कर रही हैं, सब देखना बहुत जरूरी है। यहां वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।